भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। जप तप व्रत। ओम नमो नारायणाय। बिटिया रानी, तुम्हारे गर्भवती होने का और स्वयं जगदीश्वर श्री विष्णु द्वारा तुम पर कृपा करने का समाचार महाराज को मिल गया है। तो क्या मुझे उनके दर्शन होंगे सुखिया माई? जगदीश्वर श्री विष्णु भगवान की इच्छा हुई तो सब कुछ वही होगा जिसकी तुम इच्छुक हो, किंतु इस समय तुम्हारी सौत महारानी सुरुचि महाराज को यहाँ आने नहीं देगी। मैं आपकी उद्विग्नता से भलीभांति परिचित हूँ महाराज। आपका मन मेरी सौत सुनती के लिए छटपटाता रहता है। कैसा विचित्र स्वभाव है तुम्हारा। मेरा स्वभाव तो विचित्र आपको लगेगा ही महाराज, क्योंकि उस प्रिय सुनती का स्वभाव जो आपको प्रिय है, मैं ही मूर्ख थी जो उस तुष्टा की बातों में आकर आपसे विवाह कर बैठी। यदि तुम दूसरों की भावनाओं का आदर करना सीख लो तो अश्रु बहाने की आवश्यकता ही ना पड़े। अश्रु तो मेरा परिचय बन गए हैं महाराज। मैंने कभी सोचा भी ना था कि विवाह के पश्चात मेरी ऐसी दुर्दशा होगी। क्या तुम मुझसे विवाह करके प्रसन्न नहीं हो? प्रश्न प्रसन्नता का नहीं है महाराज, प्रश्न अधिकारों का है। कंपिला देश के हर अधिकार तुमको प्राप्त है पटरानी। अवश्य महाराज, हर अधिकार मुझे प्राप्त है, किंतु मेरे पति पर मेरा तनिक भी अधिकार नहीं। ये तुम क्या कह रही हो सुरुचि? आज तक हमने तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान किया है। ये सम्मान नहीं है महाराज, आपकी विवश्यता है। सुरुचि, कष्ट और पीड़ा से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और आप मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। विवशता का आरोप लगाकर तुम मेरा अपमान कर रही हो पटरानी। इस कारण क्रोध आना स्वाभाविक है। तुम जिसे विवशता कह रही हो
उसे मेरी वचन निभाने की मर्यादा भी तो कहा जा सकता है। मुझे भली भांति ज्ञात है महाराज कि मनुकुल को अपनी वचन और मर्यादा पर गौरव है, किंतु मैं स्वयं के प्राप्त अधिकारों को आपकी विवशता ही कहूंगी, क्योंकि आपने वो अधिकार अपनी इच्छा से नहीं दिए, अपितु मेरी सौत सुनती के वचन के कारण विवश होकर दिए हैं। क्षमा करना सुरुचि, तुम्हारे जैसी हठी स्त्री को समझाना मेरे लिए असंभव है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं महाराज। क्या आपके राज्य की पटरानी अपनी पत्नी और वो भी जब गर्भवती हो उसका अपमान करना अनुचित नहीं है? क्या ये भी मनुकुल की परंपराएं हैं? सुरुचि सुरुचि सुरुचि, भगवान के लिए शांत हो जाओ। तुम्हारे तीखे आरोपों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मुखरी, मुखरी, मुखरी। यकायक तुमको क्या हुआ पटरानी? महाराज, मुझसे ये कष्ट और सहन नहीं हो सकता। मुखरी, शीघ्र राजवैद्य को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा। क्षमा करें महाराज, पटरानी जी को शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट है। अर्थात? पटरानी जी, आपकी नाली सामान्य अवस्था में चल रही है, इसी कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कष्ट का कारण मानसिक है। किंतु मुझे तो आपकी बुद्धि और क्षमता पर संदेह हो रहा है। आप मेरा अपमान कर रही हैं पटरानी जी। तो इसे अपमान समझ ले। मुझे भली भांति ज्ञात है आप सब मेरी सौत सुनीति के विश्वस्त हैं। इसी कारण आप मेरे विषय में महाराज को असत्य सूचना देते हैं। ये मुझ पर अनुचित आरोप है महाराज। वैद्यकीय कार्य मेरा कर्म ही नहीं धर्म भी है। मैं रोगी का मुख देखकर उसकी पीड़ा का कारण बता देता हूँ। महाराज, मुझे कंपिला देश के राजवैद्य पर विश्वास नहीं। कृपा वत्स देश के राजवैद्य आशुतोष जी को बुलाने का प्रबंध करें। पटरानी, कृपा करके आप कंपिला के परम आदरणीय राजवैद्य जी पर विश्वास करें। कैसे विश्वास करूं महाराज? ये मेरी भयानक पीड़ा को शारीरिक नहीं मानसिक बता रहे हैं। पटरानी, हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु का स्मरण करो, उनकी कृपा से तुम्हारे भयानक कष्टों का अंत हो जाएगा। नहीं महाराज, भगवान विष्णु का स्मरण करने से मेरे कष्टों का अंत नहीं होगा, अपितु मेरी सौत सुनीति की प्रसन्नता में वृद्धि होगी। मैं उनका स्मरण कदापि नहीं करूंगी, कदापि नहीं, कदापि। माँ, माँ, ओम नमो नारायणाय। ये कैसा चमत्कार है पुत्र, तुम जन्म से पहले ही अपनी माता से बातें कर रहे हो। माता, हम दोनों पर जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की अपार कृपा है, उनकी कृपा से कुछ भी संभव हो जाता है। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र, जगदीश्वर की कृपा के कारण ही मैं बार बार भयानक संकटों से भी सुरक्षित रही। उन्हीं की कृपा से मैंने तुम्हें माता के रूप में और तुमने मुझे पुत्र के रूप में पाया है। माता, जगदीश्वर की कृपा से अब जन्म लेने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा, तुम निश्चिंत रहो। माता, मैं तुम्हारी ओर से निश्चिंत हूँ पुत्र, किंतु तुम्हारे पिता। माता, मेरे जन्म लेते ही जगदीश्वर की कृपा से हमारी समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। प्रभु की कृपा पर विश्वास रखो माँ। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ
सप्तऋषियों को नारद का प्रणाम। सप्तऋषियों, आपके इस आनंद का कारण मैं समझ नहीं पाया, कृपा करके मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, वो शुभ मुहूर्त अब आ ही पहुंचा है जब पृथ्वीलोक पर एक महान विष्णु भक्त का जन्म होगा। देवर्षि, वही महान विष्णु भक्त जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आकाश मंडल में एक दैदीप्यमान अटल तारे के रूप में हम सबके मध्य उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित होगा। उसके आगमन की कल्पना से हम सब आनंदित हो रहे हैं। उसी आनंद में आपको सम्मिलित करने के लिए हम आपके समीप प्रकट हुए हैं। हे देवर्षि नारद, कितना सुंदर क्षण होगा वो जब भागवत भक्ति के क्षेत्र में परम भागवत भक्त जन्म लेगा। आपको शत शत बधाई हो देवर्षि। नारायण नारायण। आप सबको भी बधाई सप्तऋषियों। आपका कृपा संदेश पाकर सदा भक्ति में आनंदित रहने वाले नारद का मन भविष्य की कल्पना से प्रफुल्लित हो गया। सप्तऋषियों, नारद को यह परम पावन संदेश देकर आपने धन्य कर दिया। हे जगदीश्वर भगवान विष्णु, हे भक्त वत्सल, हे दया के सागर, सचमुच आपकी लीला अपरंपार है। ओम नमो नारायणाय। 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 बधाई हो बिटिया रानी, बधाई हो। युवराज पधार गए हैं, बधाई हो। देखो देखो, युवराज जन्म लेते ही जगदीश्वर भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर रहे हैं। सुनीति। प्रभु। हे भक्त वत्सल भगवान, हे हर जीव पर कृपा करने वाले जगदीश्वर, इस अवसर पर आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। आपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर मेरा और मेरे पुत्र का जीवन सफल कर दिया। आपकी जय हो भगवन, आपकी जय हो। सुनीति, तुम्हारा पुत्र हमारा परम भक्त होकर
कभी भी नष्ट न होने वाली ध्रुव कीर्ति का धारक होगा। इसी कारण हम स्वयं इसे आशीर्वाद देने तथा इसका नामकरण करने के लिए प्रकट हुए हैं। हे कृपा निधान, हे दया के सागर, आपकी कृपा पाकर मेरा अंग अंग पुलकित हो गया है। प्रभु, अब शीघ्र ही मेरे शिशु का नामकरण करके मेरे सौभाग्य में और अधिक वृद्धि करें। सुनीति, इस परम भागवत भक्त शिशु का नाम ध्रुव होगा। ध्रुव? ध्रुव? हाँ, ध्रुव, बालक ध्रुव, अपने पितामह मनु के वंश में सबसे अधिक उज्जवल और सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। इसकी भागवत भक्ति का आदर्श अनंत काल तक संसार को प्रेरणा प्रदान करेगा तथा अंत में ये बालक ध्रुव तारे के रूप में आकाश की उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित होगा। तुम सबका कल्याण हो।